उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए आप। डायरेक्टर फिशरीज ने ही बताया कि ये कराची में रजिस्टर्ड हैं सारे के सारे। अच्छा, ऑनर्स के मुतालिक हमने उन हाई ऑफिशल्स लोगों से पूछा जिसमें वाइस एडमिरल से लेके और कैप्टन तक बैठे हुए थे लोग, किसी एक की जबान नहीं हिली इसके ऊपर। कि हमने कहा जी आप बताएं तो सही ना कि आखिर आप क्यों खामोश हैं, ये ट्रालर्स माफिया है कौन, कौन इसकी पुश्त में है जो ये लाकानूनियत मुसलसल किए चले जा रहे हैं। और आप, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा उर्दू में जो कहते हैं कि जी पर जलते हैं जैसे, तो मैंने कहा ऐसा लगता है कि आप सबके भी पर जलते हैं, क्या आप लोग ये नहीं बता पा रहे। खामोशी हो गई, फिर कहीं बात इधर उधर चली, तो फिर जनाब एक साहब ने बीच में लुकमा देते हुए कहा कि जी ये तो कराची में रजिस्टर्ड है। मैंने कहा चलें ये भी बात ऑनर बताएं। फिर एक जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी क्या मौलाना साहब आपको तो पता है ये तो बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें होती हैं, इसमें तो बड़े लोग होते हैं। तो मैंने कहा बड़े लोगों का नाम नहीं होता, बड़े लोगों का, मैंने फिर उनको मैंने इशारतन बात भी की, मैंने यही कहा ना जी, मैंने कहा कि वहाँ FIR नहीं आप काट सकते, बड़े लोगों के खिलाफ तो FIR नहीं कटती, रक्षे वाले खिलाफ आप FIR काटते, छोटी लांच वाला बेचारा जो है वो महरूम है, और ये बड़े ट्रालर्स वाले जो हैं पूरी समुद्री हयात। मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने कहा हम ये भी करेंगे कि ये बैन अल-अक़वामी तौर पर जो समुद्री हयात की NGOs हैं हम उनको भी इसमें अपने साथ जो है वो पूल में लेंगे। और अभी हाल ही में वो मुझे अभी मुल्क याद नहीं आ रहा जहाँ पे वो सब्ज़ कछुए का इशू बना था, तो अक़वामे मुत्तहिदा ने बाकायदा उनको जुर्माना किया उस स्टेट को जहाँ पे उसकी मादूमियत का ख़तरा पैदा हो गया था। तो यहाँ तो कई नस्लों की मादूमियत का ख़तरा पैदा हो गया। अब ज़ाहिर है ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते कि लोग कहें कि जी आपने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की कोई बात की, लेकिन ये लोग ख़ुद मुतवज्जे हो जाएंगे, ये ख़ुद ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये यानी एक पहलू ये है कि वो ट्रालर मालिकान कौन है, ये तो उन्होंने हमें नहीं बताया, हालांकि हमने बहुत कुरेदने की कोशिश की उनको। हमने कहा जी हम पॉलिटिकली उनको टैकल करेंगे अगर आप इंतज़ामी तौर पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसकी कोई बात हमारे साथ आगे नहीं बढ़ाई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है जो अंदर की बात मुझे लगता है कि जिसकी वजह से खामोशी छाई हुई थी, बाकी तो अल्लाह को गैब का इलम है, कि ये सब लोग बशमूल हमारे सियासी इंतज़ामी हल्के जो हैं, जो हमारे महकमे हैं समुद्री हयात के या फिशरीज़ के, या ये सब लोग पैसे खाते हैं। और ये हमें बिल्कुल एक यकीनी तौर पे लोगों ने बताया कि जनाब ये इनका 3-3 महीने का कोई वो होता है सीज़न भत्ता, और उसमें ये पैसे जो हैं वो दे देते हैं, उसके बाद उनको कोई नहीं रोकता। देखिए ये तो हमें भी पता, इतनी बात हमें इलम में आई है कि ये बाकायदा भत्ता देने के नतीजे में इनको यहाँ पे इजाज़त दी जाती है यहाँ पे फिशिंग करें। गवादर में हमारे जाने के बाद इंतज़ामिया के लोगों ने भी रابطہ किया और कुछ फोर्सेस के लोगों ने भी रابطہ किया जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। आपको इलम है कि गवादर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बाकी मुल्क में तो हम 1-2 को फेस करते हैं, वहाँ पर 7-8 हैं, नेवी भी है, मैरीटाइम भी है, कोस्ट गार्ड भी है, FC भी है, और कस्टम भी है, और पुलिस और लेवीज़ तो खैर है ही। तो इन सब ने हाई प्रोफाइल एक मीटिंग तलब की हुई थी और उसमें इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो हमें ऑन बोर्ड ले लें, तो मुझसे भी उन्होंने रابطہ किया और कई जगहों से रابطہ करवाया भी। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं मशवरे के बग़ैर आपके पास नहीं आऊँगा, मैं धरने वालों के पास जाऊँगा और उनसे मैं पूछूँगा कि अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी और इसको मुफीद समझा तो मैं आपसे मिलूँगा। फिर हम गए वहाँ पे और उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी ठीक है आप चूँकि मेहमान हैं, और दूसरा ये कि आप एक पार्टी के ज़िम्मेदार हैं सूबाई और आपको कहीं ना कहीं बात भी करनी पड़ती है, लिहाजा आप हमारी बात भी वहाँ पहुँचा दें और अपनी बात भी और उनकी बात भी सुन लें कि वो क्या कहते हैं। तो मैं वहाँ गया और मैंने ये महसूस किया, चूँकि मुझे कुछ टेलीफोन्स भी आए थे इसी तरह के ऑफिशल्स के जिन्होंने गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी हमारे दरमियान और मौलाना इजाज़ुर्रहमान साहब के दरमियान ख़ास तौर पे, यानी लोगों ने ये भी मुझे कहा कि जी वहाँ तो एंटी स्टेट लोग बैठे हुए हैं और वहाँ इंडियन लॉबी जो है वो काम कर रही है। किसी ने ये कहा जी कि इजाज़ुर्रहमान ट्रैप हो गया है, तो यहाँ ये काफ़ी बड़े लोग थे, यानी वाइस एडमिरल तक भी उस मीटिंग में मौजूद थे, बाकी तो सारे
कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी थे, कमिश्नर मकरान भी वहाँ मौजूद थे, डीसी भी थे, डीजी आईएसआई भी थे, पुलिस के भी डीआईजी और एसएसपी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन सब से मैंने कहा कि अगर आपकी इंटेलिजेंस आपको ये सिखाती है जो आप मुझे कह रहे हैं, तो मुझे तो अफसोस है आपकी इस इंटेलिजेंस के ऊपर भी और आपकी गुड गवर्नेंस के ऊपर भी जिसमें आप लोग फ़ख्र करते हैं। यानी नौ दिनों से ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग अपनी इंटेलिजेंस की, पता नहीं किस तरह की वो इंटेलिजेंस है कि जो आपको इस तरह की बदगुमानियाँ पैदा करने वाली खबरें पहुँचाती और आप उसके ऊपर यकीन करके बैठे हुए हैं और किसी ने उनसे रابطہ करने की कोशिश नहीं की है संजीदा तरीके से। तो मैंने कहा सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यही है। इंडिया के एजेंट मैंने कहा वहाँ अजान देंगे 5 वक्त और नमाज पढ़ेंगे बाजमात, वहाँ लोगों का हजूम है और वफूद आ रहे हैं। हमारे पास तो कोई स्कैनर नहीं है कि हम किसी का सीना चीर के देखें कि भाई इसके दिल में क्या है। इसी तरह लोगों की ख्वाहिश होती कि जी मैं फलां इलाके से आया हूँ, आप मुझे नुमाइंदगी का बात करने का मौका दे दें, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उसके मुंह को हम रोक सकें। लेकिन हमने ये अहतमाम वहाँ पे किया हुआ है, हमारे जो भी वो धरने की कमेटी है सारे लोग उसमें जमा इस्लामी के नहीं हैं लेकिन जमा इस्लामी शामिल हैं। तो वहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत बात हो जाए तो उसकी फौरी तौर पे सफाई भी हो जाए। कुछ लोग बात कर लेते हैं इस तरह की पटरी से उतरी हुई, तो जो मुंतजमीन हैं वो फौरी तौर पे उसकी सेकंड तकरीर के अंदर जो है उसकी सफाई कर देते हैं। तो मैंने कहा कि आप ये बताएं कि ये अहतमाम आपने किसी धरने में देखा है इस तरीके से? और जितना आप समझ रहे हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं उससे ज़्यादा तो हमें फ़िक्रमंदी है वतन की, और हम आपसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों को की जहन साजी भी कर रहे हैं और उनको इस एंटी स्टेट वाली जो राय है उससे हम लोग लोगों को मुनहरिफ भी कर रहे हैं और उनकी एक तरह से जहन साजी का अमल भी वहाँ पे जारी है। खैर उस ये बातें तो और बहुत सी हुई 2-2.5 घंटे, लेकिन इन तमाम लोगों ने बहरहाल इससे इत्तेफाक किया कि इसमें हमारी गलती है और हम वाकईतन हम लेट हो गए हैं। और उन्होंने इससे भी इत्तेफाक किया कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये तमाम के तमाम जनमन इश्यूज़ हैं, यानी इनमें कोई एक इशू भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई मुबालगा आमेजी हो। हत्ता कि वहाँ एक बहुत बड़े ऑफिशल थे नेवी के, उन्होंने ये कहा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तावुन देने के लिए भी तैयार हैं इन ट्रॉलर्स को यहाँ से भगाने के लिए। और उन्होंने फिर किया भी अमलन उन्होंने किया भी, लेकिन हमारी ये फिशरी की जिम्मेदारी है, एक आईनी मसला भी बीच में हायल है कि फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो उससे बात हुई, उन्होंने डायरेक्टर फिशरीज ने ये कहा कि हम जो है वो एमएस को ये जिम्मेदारी एक साल के लिए देने के लिए वजीर आला साहब को कहेंगे ताकि एमएस के पास इक्विपमेंट है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इन बोट्स को भगाने के लिए। तो वो तो खैर एक प्रोसेस में एक अमल होगा। इसी तरह जो बॉर्डर का इशू है वहाँ पर इन लोगों ने टोकन का पहले सिलसिला शुरू किया था, टोकन कुछ रकम के इवज़ दिया जाता था, और ये रकम कहाँ जाती है हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि ये रकम कहाँ जाती है, कोई रसीद दिखा दें क्योंकि हमें यकीन हो कि सरकारी खजाने में जमा होती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास भी, ना किसी कर्नल ना किसी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, ना कमिश्नर के पास ना डिप्टी कमिश्नर के पास कोई जवाब था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप करोड़ों रुपए जो है वो यानी आउट ऑफ द वे आप इसी तरह से घपला कर रहे हैं और लोगों के माल के ऊपर जो है वो नाजायज़ आप तसर्रुफ कर रहे हैं। लोग पहले गरीब हैं, फिर इन्होंने कहा जी कि टोकन हम ख़त्म कर देते हैं, टोकन ख़त्म कर दिया, लेकिन टोकन की जगह पे वो ई टैग शुरू कर दी, और ई टैग के लिए भी इन्होंने कोई ठेकेदार मुकर्रर कर दिए। मैं गया हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं गया जी मुझे जाना है, तो मुझे कहा गया कि आप वो फलां साहब के पास चले जाएँ। वहाँ मैं गया तो उसने मुझे कहा कि जी आप इतने 1000 रुपये दे दें तो ये ई टैग मैं आपको दे देता हूँ, और ये इतने दिन के लिए, ये इतने घंटों के लिए। जो बोट्स जाती हैं ईरानी बॉर्डर क्रॉस करके उनके साथ भी यही रवैया है, और ये जो गाड़ियाँ जाती हैं उनके साथ भी यही रवैया है। यानी रक्षे वाले तक को वो नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं कि जिसमें 2 कार्टन 4 कार्टन जो है वो ऑयल के रखे हुए हों। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आपको ये ट्रॉलर नज़र नहीं आते जो गैर कानूनी अमल में मुलविस हैं, इनके ऊपर कोई एक FIR आपने काटी है? मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी गाड़ियाँ कितनी लांचों पे FIR काटी हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दर्जनों हैं। तो मैंने कहा ये गरीब आपको मिलते हैं कि आप इनके ऊपर FIR काटें? वो जो बड़ा माफिया है
और वो दंदनाता हुआ गैर कानूनी जाल के साथ और गैर कानूनी असलहे के साथ वो सारी ये फिशिंग करता है और समुद्री हयात तबाह करता है, इसके ऊपर कोई एक FIR आप दिखाएं? कोई जवाब नहीं था इसका। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये धरना बिल्कुल जेन्युइन मसाइल के ऊपर है और निहायत पुरामन धरना है, उसमें कोई एंटी स्टेट जो है वो शख्स मौजूद नहीं है और तमाम के तमाम लोग गरीब मजदूरकार और मुहब्बे वतन लोग हैं, इंतहाई अमन के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, नमाजें बाजमात वो वहाँ पे अदा करते हैं, इज्तिमाई दुआएं वहाँ पे होती हैं, सकाफती प्रोग्रामात वहाँ पे हो रहे हैं, और उनके बारे में ये तासुर हमारे इस गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी और फोर्सेस के ऑफिशल्स के अंदर भी कि ये एंटी स्टेट लोग हैं, इसकी मैं समझता हूँ कि कोई इसका जवाब नहीं है इस तसव्वुर का, इसको उनको दुरुस्त करना चाहिए अपने माइंड सेट को भी और लोगों को अपना अपने शहरी समझना चाहिए और उनके जो मुताबिक हैं जो मुतालबात हैं जैसे ओपनिंग का।